इस वीडियो को मिस मत करना क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ एक्सेल के वो सारे शॉर्टकट जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइबर वर्ल्ड। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूं कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़े ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और आप बात करते हैं इस वीडियो की, तो यहां हम जानने वाले हैं एक्सेल के मोस्ट यूजफुल सारे शॉर्टकट कीज के बारे में, एक्सेल के बेहतरीन बेस्ट कीवर्ड शॉर्टकट्स के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फॉर्मूला पे आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम में जरूर आती है। यहाँ पर एक्सेल में एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है कि एक्सेल शीट पर कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। अब इसे आप कहीं किताब में जाकर याद करें, पढ़े या खुद प्रैक्टिकल करके देख लें, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको उसके लिए सिंपली रो और कॉलम के जो बीच में यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर सिंपली आपको माउस का लेफ्ट की प्रेस किए रहना है। जैसे आप इस पर प्रेस करते हैं तो आपको सबसे पहले रो की संख्या दिखाई देगी जो कि 1048576 है, और उसके बाद कॉलम की संख्या जो 16384 है। अब सवाल आता है कि इस पर जाया कैसे जाए, यानी हम सबसे लास्ट रो और सबसे लास्ट कॉलम पर पहुंचे कैसे। तो रो पर पहुंचने का तरीका मैं बता देता हूं। इसके लिए सिंपली आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है कंट्रोल के साथ डाउन एरो की बटन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सबसे लास्ट वाली रो पर पहुंच जाएंगे, और दोबारा से ऊपर पहुंचने के लिए आपको फिर से कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस करना है। इस तरह से आप यानी सबसे पहले रो में आ चुके हैं। अब आपको सबसे लास्ट वाले कॉलम पे जाने के लिए अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है कंट्रोल के साथ राइट एरो की, जिससे आप देख सकते हैं हमारा जो सबसे लास्ट का कॉलम है उसका आप नाम भी पता कर लेंगे जो है XFD। और सबसे पहले कॉलम पे पहुंचने के लिए आपको वही कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की। इस तरह से आप एक्सेल में चारों तरफ से घूम सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक्सेल के कुछ बेहतरीन फॉर्मूलेस की। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर 3 शीट्स दिख रही हैं। आपने और भी शीट्स बनाई होगी, तो अगर आपको अपने कीबोर्ड की सहायता से अपने शीट को स्विच करना है यानी एक शीट से दूसरे शीट पर जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं। तो अगर आप पहले शीट पर हैं और आपको लेफ्ट से राइट जाना है तो उसके लिए सिंपली आपको कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन प्रेस करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा सीट स्विच होकर लेफ्ट टू राइट यानी सीट 1 से सीट 3 पे चला गया है। और अगर आप तीसरी सीट पर हैं और आपको पहली सीट पर जाना है तो कंट्रोल के साथ पेज अप बटन प्रेस करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हम सीट 3 से सीट 1 पर वापस से आ चुके हैं। यहाँ पर आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक कॉलम और एक रो सिलेक्ट होती है। तो अगर आप सिलेक्टेड रो को हाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ 9 बटन को प्रेस कीजिए, और आप देख सकते हैं हमारा ये रो हाइड हो चुका है। इसी तरह से अगर आप किसी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ 0 बटन को प्रेस कीजिए। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा कॉलम हाइड हो चुका है। अगर आप चाहते हैं एक से ज़्यादा कॉलम को हाइड करना है तो उसके लिए सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर B से लेकर D तक के कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। अब हम कंट्रोल के साथ 0 बटन प्रेस करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे ये कॉलम हाइड हो चुका है। अब इसे अनहाइड कैसे करें, क्योंकि एक्सेल 2007 में कॉलम को अनहाइड करने का कोई शॉर्टकट की नहीं है, इसलिए वो आपको मैनुअली करना होगा। इसके लिए आपको A से इसे सिलेक्ट करना होगा जिसके बीच की कॉलम को आपने हाइड किया है। जैसा कि मैंने यहाँ पर A और E कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद सिंपली आपको राइट की प्रेस कर यहाँ से अनहाइड पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये कॉलम अनहाइड हो चुका है। अब हमें रो को अनहाइड करना है। इसके लिए आपको सिंपली एरिया को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 7 नंबर रो को हाइड किया है, तो उसके लिए 6 और 8 रो को हमें सिलेक्ट करना होगा, और उसके बाद सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और 9 प्रेस कर देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये रो और कॉलम दोनों अनहाइड हो चुके हैं। यहाँ पर हमने अपने एक्सेल शीट पर कुछ डेटा को फिट कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि ये नंबर करेंसी में कन्वर्ट हो जाए और साथ में दशमलव के 2 स्थान तक 0 भी आ जाए, तो उसके लिए सिंपली आपको ये सिलेक्ट करना है और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर बटन प्रेस कर देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे ये जो नंबर्स हैं वो करेंसी में कन्वर्ट तो हो ही गए हैं, साथ में दशमलव के बाद 2 जीरो भी आ गए हैं। अब बात कर लेते हैं किसी भी सेल को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली जिस भी सेल में परसेंटेज एंटर करना है, डेटा को एंटर करना है, तो उसको आपको सिंपली पहले सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और अपने कीबोर्ड में 5 बटन पर जो परसेंटेज है उस पर क्लिक कर देंगे, यानी कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज। उसके बाद ये हमारा जो भी इसमें हम डेटा फिट करेंगे वो खुद से परसेंटेज में फिट होता जाएगा।
अब अगर आपको अपने एक्सेल शीट में करेंट टाइम और डेट्स फिल करनी है, वो भी शॉर्टकट की के थ्रू, तो आप इसके लिए आसानी से कर सकते हैं। तो आप उसके लिए सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और कॉलम बटन प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा ये करेंट टाइम शो कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पर अब हमारा ये करेंट डेट शो करे, तो उसके लिए सिंपली आपको कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम बटन प्रेस करना है, तो आप देख सकते हैं हमारा ये करेंट डेट शो कर रहा है। कभी कभी हमें ऊपर वाले सेल का जो वैल्यू है उसे ही नीचे भी कॉपी करना रहता है, तो उसके लिए सिंपली आपको उस कॉलम पर अपने माउस के कर्सर को लाकर को अपने कीबोर्ड बस आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ में डबल कोट को प्रेस करते जाना है। तो आप इसे कितने भी बार कर सकते हैं। अगर मैं इसे प्रतिशत के लिए भी अप्लाई करूं तो यहां पर भी होगा, और अगर मैं यहां पर किसी नंबर के लिए भी या डेट के लिए भी अप्लाई करूं तो यहां पर भी होगा। इसी तरह से अगर आपको कोई फॉर्मूला कॉपी करना है ऊपर वाले सेल से नीचे वाले सेल में, तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसा इन सभी में मैंने फॉर्मूला लगा रखा है सम का, तो यही फॉर्मूला मुझे सेम इस सेल में चाहिए। तो इसके लिए सिंपली मैं कंट्रोल के साथ में सिर्फ सिंगल कोट बटन को प्रेस करूंगा, तो आप देख सकते हैं हमारा ये सम का फॉर्मूला इसमें फिल हो गया है। उसके बाद सिंपली इसे एंटर कर दीजिए और आपका ये सम हो चुका है। अब ये जो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये आपको बहुत यूजफुल हो सकता है। कभी कभी हमें एक्सेल शीट में लगे हुए फॉर्मूले को देखना रहता है, यानी हम इस एक्सेल शीट में कितने फॉर्मूले को और कौन कौन से फॉर्मूले को लगाए हैं हमें देखना रहता है, तो उसके लिए आप सिंपली आसानी से अपने शॉर्टकट की के थ्रू जान सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको माउस के कर्सर को कहीं भी क्लिक कर देना और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल टिल्ड बटन को प्रेस करना है, जो आपके स्किप बटन के ठीक नीचे रहता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे ये सारे फॉर्मूले शो कर देंगे कि आपने कौन कौन से फॉर्मूले का यूज किया आपने एक्सेल शीट में। और इसे फिर से हाइड करना है तो वही स्टेप फिर से करना है, कंट्रोल के साथ टिल्ड बटन प्रेस करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये हाइड हो चुका है। अब हम सीखेंगे शीट को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के लिए आप सिंपली माउस का यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने कीबोर्ड से सिलेक्ट करना, तो उसके लिए आप कीबोर्ड के थ्रू कंट्रोल शिफ्ट और जिस भी लोकेशन को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको कंट्रोल शिफ्ट, अगर आप ऊपर की तरफ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ अप एरो की प्रेस कर आप इसे आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि हम लेफ्ट तरफ सिलेक्ट करें, तो इसके लिए सिंपली आपको कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट की प्रेस करना है। इसी तरह राइट और इसी तरह अप। अगर आप किसी सेल में सबसे नीचे की तरफ काम कर रहे हैं और आपको ऊपर जाना है, तो इसके लिए आप सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और 8 बटन प्रेस कर सकते हैं, लेकिन आपका 8 नंबर जो की हो वो न्यूमेरिकल तरफ का हो, न्यूमेरिकल की हो। इसके लिए सिंपली आपको कंट्रोल शिफ्ट और न्यूमेरिकल साइड का 8 बटन प्रेस करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये लास्ट रो से सबसे फर्स्ट रो पर चला गया है। इसी तरह से आपको नीचे आना है तो कंट्रोल शिफ्ट और 2 बटन को प्रेस कर दें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये फिर से सेल नीचे आ चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट है, जो डेटा है, ये हमारा पूरी तरह से सिलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए सिंपली आप अपने कीबोर्ड से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और 8 बटन प्रेस करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये डेटा सिलेक्ट हो चुका है। एक्सेल के बहुत सारे यूजर को ये नहीं पता रहता है कि जब हम किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो हमें एक्सेल काफी सारे इंस्ट्रक्शन को शो कराता है। जैसे ही अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे तो आपको स्टेटस बार में एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम और सम शो करेगा। अगर आप इससे भी ज्यादा कुछ जानकारियों को अपने स्टेटस बार में शो कराना चाहते हैं, तो आपको सिंपली स्टेटस बार पर अपने माउस का राइट की प्रेस करना है। आप यहाँ से इन सारे ऑप्शन को अपने स्टेटस बार में देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प होती है, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।